श्री कृपालु जी महाराज ने दिव्य प्रेम तत्व को प्रकाशित करने के लिए प्रेम मंदिर नाम से भव्याति भव्य दिव्योपहार श्री वृंदावन धाम को समर्पित किया है। मंदिर वास्तुकला सुंदरता एवं भव्यता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। प्रेम मंदिर के निर्माण में 30,000 टन आयातित इटालियन करारा मार्बल का प्रयोग किया गया है। यही विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके निर्माण में ठोस इटालियन मार्बल का प्रयोग किया गया है। लहराती हुई ध्वजा सहित 125 फुट ऊंचे शिखर के दर्शन होते हैं। उसके नीचे 53 फुट ऊंचा गुंबदाकार सामरन, उसके दोनों ओर दो बड़े व छोटे गुंबदाकार सामरन तथा भूमि तल व प्रथम तल के दो सामरन मिलकर एक नक्काशीदार उज्जवल दिव्य पर्वत श्रृंखला का आभास देते हैं। प्रभात काल के समय नीले आकाश के तले विद्यमान गौर वर्ण के प्रेम मंदिर को देखकर प्रतीत होता है मानो नीलांबर पहने गौर वर्णी श्री राधा अपना दिव्य दर्शन प्रदान कर रही हो। मंदिर के समय अद्भुत रोशनी से जगमगाते हुए प्रेम मंदिर को देखकर दर्शनार्थियों को यह आभास होता है कि मानो वे भगवान के दिव्य लोक में खड़े हों, अथवा अकारण कृपालु भगवान ने भक्तों पर करुणा करके इस मंदिर को अपने गोलोक से नीचे उतार दिया हो। अधिकांशतः मंदिरों का नाम भगवान के विभिन्न स्वरूपों पर आधारित होता है, परंतु श्री महाराज जी ने भगवान से भी जो बड़ा है अर्थात प्रेम, भगवान सदा जिसके अधीन रहते हैं उस प्रेम के नाम पर मंदिर का नाम रखा है प्रेम मंदिर। प्रेमाधीन ब्रह्म श्याम वेद ने बताया याते याय नाम प्रेम मंदिर धराया। मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर भूमि तल का मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार के दोनों ओर दो अन्य द्वार हैं तथा उत्तर व दक्षिण में भी क्रमशः दो दो द्वार हैं। मंदिर के ये अनेकानेक द्वार मानो रसिक संतों की इस वाणी की घोषणा कर रहे हैं कि भगवान तो अपनी भुजाओं को फैलाए हुए प्रत्येक जीव की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि न जाने कब कौन जीव मेरे शरणागत हो जाए और न जाने किस द्वार से आ जाए। गर्भगृह के शुद्ध चंदन के नक्काशीदार पट खुलते ही युगल किशोर अर्थात
ठाकुर ब्रजेंद्र नंदन और ठाकुरानी श्री राधा रानी के मनोहारी दर्शन होते हैं। जिससे भक्तगण बरबस श्यामा श्याम की प्रेम रस माधुरी से परिप्लुत हो जाते हैं। डब की गुम्बदाकार छत की अनेक परतों की नक्काशी का सौंदर्य अप्रतिम है। मंदिर की छत के प्रत्येक भाग में विभिन्न प्रकार की नक्काशी की गई है। भूमि तल के दोनों ओर की सीढ़ियां प्रथम तल को जाती हैं। प्रथम तल के गर्भ गृह में श्री सीताराम जी का सौंदर्य माधुर्य बरबस मन को मोहित कर लेता है। हर दर्शनार्थी ठगा सा खड़ा रह जाता है, अब भूमि तल पर भी नहीं जाना चाहता और सोचता रह जाता है श्री सीताराम अधिक सुंदर है या श्री राधे श्याम। मंदिर के भूमि तल एवं प्रथम तल की बाहरी दीवारों पर 80 पैनल निर्मित किए गए हैं, जिन पर श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित श्री कृष्ण की मधुरतम लीलाओं का क्रमबद्ध रूप से सजीव चित्रण किया गया है, जिससे जन साधारण भी उन लीलाओं को सरलता के साथ हृदयंगम कर सकता है। मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसकी दीवारों पर संपूर्ण श्रीमद् भागवत में वर्णित श्री कृष्ण की लीलाओं का क्रमबद्ध चित्रण किया गया है। इन लीलाओं का चित्रण भागवत के प्रारंभ से किया गया है, जहां सुखदेव परमहंस वक्ता बनकर परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का दान कर रहे हैं। तत्पश्चात भागवत के दशम स्कंध में वर्णित स्वयं भगवान श्री कृष्ण की जन्म से लेकर अपने परम धाम गोलोक पधारने तक की लीलाओं का सजीव चित्रण किया गया है। मंदिर के भूमि तल की बाह्य दीवारों पर भगवान की माधुर्य युक्त ब्रज की लीलाओं का अत्यधिक मनोहारी चित्रण है। यथा कंस के कारागृह में भगवान का चतुर्भुज रूप में प्रकट होना, वसुदेव जी का यमुना पार कर नंद महल में यशोदा के पास भगवान को पहुंचाना और यशोदा की कन्या को लेकर कारागृह में आकर देवकी को देना,
कंस द्वारा कन्या को पटकने पर उसका अष्टभुजा देवी के रूप में प्राकट्य। नंदोत्सव। नारद जी एवं भगवान शंकर का श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन हेतु ब्रज में पधारना। पूतना बद्ध, उखल बंधन, माखन चोरी, गौचारण लीला। श्री कृष्ण द्वारा ग्वालों की जूठन खाते देख ब्रह्मा को मोह। कालिया दमन, गोवर्धन धारण, रास लीला। श्री कृष्ण वियोग में गोपियों की विरहावस्था और पुनः भगवान श्री कृष्ण का अनेक रूप धारण कर गोपियों के साथ महारास लीला आदि के हृदय स्पर्शी दृश्यों से मन एक अपूर्व शांति एवं आनंद में समाधिस्त हो जाता है। वहीं प्रथम तल की बाह्य दीवारों पर मथुरा एवं द्वारका की लीलाएं क्रमबद्ध रूप से चित्रित हैं। कुब्जा उद्धार, कंसबद्ध, देवकी वसुदेव की कारागृह से मुक्ति, सांदीपनी मुनि के गुरुकुल में जाकर कृष्ण बलराम का विद्याध्ययन, रुक्मिणी हरण, सोलह हजार एक सौ आठ रानियों का वर्ण, नारद जी द्वारा श्री कृष्ण की गृहस्थावस्था के दर्शन, प्रतिदिन की दिनचर्या, श्री कृष्ण का अपने अश्रुओं द्वारा सुदामा के चरण पखारना, सुदामा एवं उसके परिवार का एक रात्रि में काया पलट, श्री कृष्ण द्वारा उद्धव को अंतिम उपदेश एवं दर्शन, तत्पश्चात स्वधाम गमन आदि लीलाएं चित्रित की गई हैं। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के सिद्धांतानुसार समस्त शास्त्रों वेदों का सार एकमात्र प्रेम है और उस दिव्य प्रेम की सार स्वरूपा है भगवती श्री राधिका। अब तो कृपा करो श्री राधे, अब तो कृपा करो श्री राधे, अब तो कृपा करो श्री राधे। प्रेम तत्व की प्रधानता प्रेम मंदिर में चित्रित उन झांकियों में दृष्ट गोचर होने लगती है जहाँ पूर्णतम पुरुषोत्तम स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के चरणों में अपना मुकुट रख रहे हैं और उनकी चरण सेवा कर रहे हैं। तुम्हारे द्वार पर श्री राधे, तुम्हारे द्वार पर श्री राधे। श्री राधा कृष्ण की मनोहर झांकियों यथा श्री गोवर्धन धारण लीला, कालिया नाग गमन लीला, झूलन लीला आदि